हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए कोयलेस का प्लांट है और कोयलेस के प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनकी खूबसूरती इनकी लीव्स में होती है, पत्तियों में, डिफरेंट वैरायटीज़ के वेरीगेटेड और अलग अलग डिज़ाइन के ये प्लांट्स होते हैं। इनके कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनकी काफ़ी वैरायटीज़ हैं। ये शो प्लांट की तरह जो हैं लगाए जाते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स हैं और इनको हम कटिंग से लगा सकते हैं। आज मैं इन प्लांट्स को कटिंग से लगाने के बारे में बताऊंगा। इनकी स्टेम कटिंग जो है रूट हार्मोन लगा करके लगाई जा सकती है और लगभग 20 दिन के अंदर जो हैं इनमें रूट्स आ जाती हैं और ये पौधे लग जाते हैं। लगाने का जो टेम्परेचर होगा इनका वो 20 से 25 डिग्री के वक्त लगाना चाहिए, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। इनको कटिंग से लगाया जा सकता है, इनकी नीचे की एक दो लीव्स छोड़ करके, बाकी लीव्स रहने देंगे और ऐसे ही लगा देंगे। ये ऐसे ग्रो कर जाते हैं। इनकी पुरानी लीव्स भी में भी जो है अच्छा खासा पानी का फ्लो होता रहता है और ये लग जाती हैं। लगाने के लिए सॉइल मिक्सचर जो होगा वो 3 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट सैंड और थोड़ा कंपोस्ट मिला के लगा सकते हैं। अब ये देखिए जो है कटिंग को जो है हम स्टेम की रूट हार्मोन लगा से लगा करके प्लांट कर रहे हैं। ये देखिए दूसरी कटिंग जो है रूट हार्मोन लगा करके इसको पॉट में लगा देंगे। लगाने के पश्चात थोड़ा वाटरिंग करके इनको सेमी शेड में रखेंगे। पंद्रह दिनों के बाद ये इस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो काफ़ी लग गया है, बाकी थोड़ा सा लग रहे हैं। देखिए कोलिया जो लगाए थे हमने 20 दिन पहले कटिंग से, अभी 20 दिन बाद जो मैं इनकी रूट्स दिखाऊंगा आपको, इसमें रूट्स जो हैं बन गए हैं, क्योंकि अब प्लांट जो हैं एक ग्रो कर गए हैं, वो थोड़ा बड़ा भी हो गया प्लांट ये लगाया हुआ। देखिए प्लांट को मैं निकाल के दिखाऊंगा अभी। देखिए रूट्स इसमें बन गई हैं, ये रूट्स दिख रही हैं इसमें, और इसको मैं अब दोबारा से फिर से लगा दूंगा प्लांट को। इसमें जो है रूट्स बन गई हैं 20 दिन बाद।
इन सभी प्लांट्स में रूट्स बन गई हैं, क्योंकि काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं और ग्रो कर गए हैं थोड़ा।